18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकंड फेज की 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे खत्म होगी। इस फेज में लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 फिल्मी सितारे हैं। राहुल गांधी की वायनाड, शशि थरूर की तिरुवनंतपुरम और हेमा मालिनी मथुरा सीट से मैदान में है। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले फेज की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। आज के बाद 5 फेज की वोटिंग 1 जून तक खत्म होगी। इसके बाद 4 जून को रिजल्ट की घोषणा होगी। पहले इस फेज में 79 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। आउटर मणिपुर के कुछ हिस्सों में आज फिर वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने इस सीट पर 2 फेज में चुनाव कराने की घोषणा की थी। 2019 में सेकंड फेज की सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी, अन्य को 9 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 1,198 कैंडिडेट मैदान में हैं। इनमें से 1,097 पुरुष और 100 महिला उम्मीदवार हैं। एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर से हैं।